ये हमारी गाड़ी फंस गई है। लोग सड़क पे बैठ बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं, पूरा मस्ती मजा करते हुए, रास्ते का पूरा व्यू का आनंद लेते हुए। गाड़ी से आने में बस यही मजा है। दोस्तों देखो, सारे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं और क्या मस्त रोड है। तो फाइनली शालिनी ने लेह लद्दाख में आकर गाड़ी प्लान करी चलाने का। शालिनी को देखो धीरे धीरे ड्राइविंग करा समझाते हुए मिस्टर अभिषेक ट्रेन कर रहा है। ट्रेनर, ये ट्रेनर भी है और ये लेह लद्दाख भी ले जा रहा है। हाँ तो शालिनी कैसा लगा तुम्हें गाड़ी चला के? बहुत मजा आया, बहुत सालों बाद मैंने स्टीयरिंग को हाथ लगाया है। तो तुम्हें शायद 10 साल बाद के भी साथ जब हम गाड़ी चलाएं, किसी और के साथ भी रिस्क नहीं ले सकते और अपने साथ भी रिस्क नहीं ले सकते, तो प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमारी गाड़ी फंस गई है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रेत था और पीछे खाई भी है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और फाइनली हमारी गाड़ी निकल चुकी है और ये शाये शाये ले गया। हाँ तो क्या हुआ था, हाथों से मिट्टी लग गई है हमारे, सर फंस गई, हाथों से मिट्टी हटाई गई है, हटाई पीछे करा बैक करा फिर निकल गई। चलो अब चलते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं 17582 फीट हाइट पर और ये एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा यहाँ का। तो दोस्तों अब हम उपसी आने वाले हैं और यहाँ से 50 किलोमीटर रह जाएगा लेह लद्दाख, लेकिन पहली बार हमें पेड़ देखने को मिले, इतनी देर से हमें पेड़ नहीं देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ जाके थोड़ी सी ऑक्सीजन मिलनी शुरू हुई है ढंग से, अभी तक तो ऑक्सीजन नहीं थी तो जिसकी वजह से हमें बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही थी। और देखो अब आपको पेड़ों को भी रास्ते में देखने को मिल रहे हैं जगह जगह। चेक पोस्ट है, जब जब चेक पोस्ट आते हैं गाड़ियों की एंट्री करानी पड़ती है कि इस चेक पोस्ट से उस चेक पोस्ट तक गाड़ी पहुंची नहीं पहुंची, ये रिकॉर्ड रखने के लिए ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो ये चेक पोस्ट से पता चल सके। तो यहाँ पे इस समय आ गए हैं चाय ब्रेड बटर और सब लोग अब चाय का आनंद लेंगे, कुछ लोग ऊपर रेस्ट के लिए चले गए। वेलकम टू लद्दाख, हम लद्दाख में अंदर एंट्री कर रहे हैं। वेलकम टू लद्दाख, यहाँ हम रुके हैं थोड़ा एक चाय के लिए और फिर यहाँ से चलते हैं लेह के लिए। तो दोस्तों अब हमने यहाँ से चलने की प्लानिंग कर ली है, अब यहाँ से सीधा हम लेह रुकेंगे या हो सकता है उससे 10-15 किलोमीटर पहले रुकें, जैसा भी हमारा मन डिसाइड। पुलाव बनाएंगे और पुलाव खाएंगे भी। वैसे इसकी हालत है नहीं क्योंकि ये सुबह से बहुत मर रही है, वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग हुई जा रही है, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता इसका। तो मैंने कल गलती कर दी ये चीज, दोस्तों आप सब ध्यान रखें इस बात का, पहाड़ों पे जब भी आए बे टाइम एग वगैरह अवॉइड करें क्योंकि कभी भी डाइजेस्ट नहीं होती वो सब चीज़ें, तो मुझे उसी की वजह से वॉमिटिंग्स हो रही हैं। सो ध्यान रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये चीज़ें जरूर ध्यान रखने वाली बातें हैं कि आप जब रोड ट्रिप कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रिकॉशन, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आए। खाली हो गया था पूरा, दोबारा से फुल करा रहे हैं टैंक को, आगे पेट्रोल मिले ना मिले इसलिए जहाँ पेट्रोल पंप मिल जाए वहाँ टैंक फुल करा लेना हमेशा। इतना प्यारा नज़ारा और रोड सबसे ज़्यादा मस्त, दोनों गाड़ियों में पेट्रोल फुल होने के लिए खड़ी हो गई गाड़ियाँ हमारी। अभी हम जा रहे हैं शांति स्तूपा, मैं भी पहली बार जा रहे हैं और ये तो हमें जाके पता चलेगा छोटा है बड़ा है कैसा है, और बाकी आप लोग डिसाइड करके बताइएगा आपको कैसा लगा कमेंट में। तो गाइज हम आ गए शांति स्तूपा टेंपल में और यहाँ पे 8 बजे के बाद आना मना है, ये लेह में पड़ता है, ये जगह लेह है और लेह में ये शांति स्तूपा टेंपल बना हुआ है। तो
इस जगह पे ड्रोन भी अलाउड नहीं है, आप ड्रोन को उड़ा नहीं सकते एज पर कानून के लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आने के लिए टिकट लगती है 30 रुपये की, हमने क्योंकि हम 11 जने आए तो हमने 11 टिकट ले ली हैं आज की। तो दोस्तों सारे लोग आ गए और यहाँ सब लोग थोड़ा सा गाड़ी से निकले तो रेस्ट मोड पे हैं। तो शालिनी अब हम शांति स्टूपा टेम्पल आ गए हैं, अब अंदर जाते हैं और वहाँ के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों ये वाला रास्ता चल रहा है टेम्पल के लिए, पूरा क्लीन, और पीछे के पहाड़ आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, नीचे ग्रीनरी भी दिख रही है। यहाँ ये टेम्पल है, ये नए जोड़े को देखो फोटो खिंचाने में लगी हुई है। अच्छा अकेले का कम पड़ गया था, दोनों साथ देखो पेंट का काम भी चल रहा है। तस्वीर यहाँ लगी हुई है और शालिनी देखो पूरे उसमें इंतजार में इस मंदिर के दर्शन करने के लिए हम लोग ऊपर से आए हैं। यहाँ हवा बहुत तेज चल रही है। तो दोस्तों देखो पिक्चर में कितने अच्छे से Defeating the devils लिखा है, और ये देखो पूरी इन्होंने परिक्रमा बनाई हुई है। तो दोस्तों हमने ऊपर दर्शन कर लिए और अब हम नीचे आ गए। ये जगह बहुत प्यारी है, कितनी खुली जगह बनी हुई है, इतनी प्यारी जगह है कि मैं आपको बता नहीं सकता, सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ। शांति है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और हम ऐसा लग रहा है कितनी हाइट पर हैं और नीचे पूरा सिटी बसा हुआ है। तो दोस्तों कैसा रहा यहाँ पे, मज़ा कैसा आया? काफ़ी मज़ा आया, बहुत ठंडी हवा चल रही है ऊपर, और मतलब शांति कितनी है ये बताओ यहाँ पे। बहुत शांति है, हमारे आने से पहले पूरा सिटी नजर आ रहा है, लोगों ने खूब मटरगस्ती कर ली, बहुत फोटो खिंचवा लिए। तो जगह जगह गाइडलाइंस दे रखी हैं, उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप इस मंदिर में आएं, इसी के अकॉर्डिंग जाएं। गाइज हम लोग आ गए, जो हमें एक होटल मिला है वो ये है, अब हम इसमें स्टे करेंगे। शालिनी ने तो अपना बैग ले लिया और चल दी अपना लैपटॉप उठा के। हाँ भाई ज्योति जाओगी अब क्या करोगी, रेस्ट करना है? बहुत बहुत गाड़ी में बैठे रहे, बॉडी रेस्ट मांग रही है, देख रहे हो इतनी दूर आने के बाद बॉडी रेस्ट ही मांगती है। हेलो गाइज, तो अभी हम लोग आ गए हैं ले के मार्केट में, क्योंकि 9:15 बज रहे हैं, हम थोड़ा लेट हो गए पहुंचते पहुंचते यहाँ पे ले में, फिर हमने होटल लिया, थोड़ा रेस्ट करा, उसके बाद अब ये हम आए हैं यहाँ खाना पीना खाएंगे और उसके बाद आपको मार्केट भी दिखाते हैं मार्केट कैसा है यहाँ का। दोस्तों हम लोग लेट आए हैं तो मार्केट ज़्यादा तो नहीं दिख रहा, जो दिख रहा है ऑन रोड हम आपको दिखा देते हैं। ये ओल्ड तिब्बतियन रिफ्यूजी मार्केट है, ये काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो शिवम क्या परचेज कर रहा है? सर मैं कीरिंग देख रहा हूँ। कीरिंग किसके लिए? अपनी कार के लिए। अच्छा अपनी कार के लिए, कौन सा पसंद आया दिखाओ जरा। मैं एक ये पसंद आया है, ये पसंद आया है। ओके यूनिक है। ओके ये 300 का है, 120। शालिनी तुम भी कुछ लेना चाह रही हो? पियू तू भी कुछ लेना चाह रही है? अच्छा किचन देख रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो काफी दूर तक हम चले आए पैदल पैदल, छोटा मार्केट है लेकिन ठीक है,
क्योंकि यहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा नहीं है, उस हिसाब से मार्केट जितना है बढ़िया है। मज़ा आया, लेह लद्दाख में शॉपिंग कर रहे हैं सारे लोग, पूरी मटर रस्ती सारे लोगों ने खूब शॉपिंग करी है। दिल्ली में कुछ मिलता नहीं है, जो यहाँ आए हो शॉपिंग करने के लिए है? है? दिल्ली से शॉपिंग करो, यहाँ से जरूरत नहीं है। देखा तो हाँ दोस्तों, देख रहे हो कितनी शॉपिंग हो रही है, मटर गस्ती हो रही है, एंजॉय कर रहे हैं सारे लोग। मार्केट घूमते घूमते हमें एक और मार्केट की लाइन दिखाई दी। तो गाइस देखें, आई लव ले। हाँ भाई, क्या कर रही है, फोटोग्राफी? लड़की ले में आई हुई है, इसलिए इसने फोटो भी यहीं खिंचाना उचित समझा। दोस्तों यहाँ के ले के शहर में ये एक अच्छी चीज़ दिखी कि शहर को साफ रखें, कूड़ा ना डालें, इसलिए लोगों ने एक एक प्लांट लगाया हुआ है अपना नाम लिख के। तो मुझे लगा आपको भी दिखाना चाहिए, जैसे हमारे दिल्ली में बहुत गंदगी होती है, हर जगह गंदगी होती है, तो हम भी इस तरह से कर सकते हैं, एक प्लांट लगाएं, अपना नाम लिखें और हो सकता है उसका फ़ायदा हमारे शहरों को भी मिले। और शिवम खाने की तैयारी में, और ये भूखे लोग बैठे हुए अपनी थालियां लेके बजा रहे हैं, देखो ज़रा कोई इन्हें खाना दे दो, अचार लेके बैठे हुए हैं। भैया कितना टाइम लगेगा शिवम? हाँ भाई, अचार से ही पेट भर लेगी तो अचार ही खा लेगी ये। हाँ लड़की, क्या खा रही है? दही। अच्छा अच्छा, इतना धीरे धीरे क्यों बोल रही है? क्योंकि अभी कंप्लेन आई है कि आप लोग प्लीज लाइट ऑफ कर दो और सो जाओ, क्योंकि हम जहाँ पे स्टे कर रहे हैं वो एक हॉस्टल रूम है, प्राइवेट रूम्स नहीं है। अच्छा, तो धीरे धीरे ही बोलना है। और ये चावल बन गए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे हों। और हम लद्दाख की सुबह हो चुकी है, सुबह सुबह हम ले में उठ चुके हैं, टाइम 8:15 हो चुका है और हमारे सामने आ गया है नाश्ता। ब्रेकफास्ट में हमारे पास चाय और ब्रेड आमलेट हैं, टोस्ट आ रहे हैं मेरे अभी, और शालिनी ने बटर टोस्ट ऑर्डर करे हैं तो वो आ रहे हैं। जाने कहाँ वाले हैं हम? आज शायद लेक जाएंगे या वैली जाएंगे, हम आपको आगे बताते हैं। अभी अभी हमारा मैनेजर डिसाइड करेगा कहाँ जाना है। तो आज क्या हो रहा है? गाड़ी की धुलाई हो रही है, 4 दिन से 2 मिट्टी जमी हुई थी 50 किलो, तो हमने सोचा आज इसकी सुबह से वॉशिंग कर लें। यहाँ में पानी का प्रेशर मिल गया अच्छा खासा, तो हमने इस मौके का फायदा उठाया। लेह लद्दाख में गाड़ी की धुलाई, उससे पहले हमने अलीगढ़ में चली थी। मिट्टी खुशबू भी आ रही है, इतनी मिट्टी जमी हुई है। को लाइव दिखाना चाहता हूँ, मतलब कितनी पीओपी इसके चेहरे पे लगी है। भैया क्या लगा रही है? फाउंडेशन लगा रही है। ये फाउंडेशन इतना फाउंडेशन तभी इतनी गोरी होती है, देखो कितनी मोटी परत है इसके चेहरे पे। कोई भी लड़का लड़कियों की पीओपी पे फिदा होके गुमराह ना हो, बाबे रियलिटी देखकर दुखी बनाए कि पसंद तो मैंने कोई और लड़की की थी और आ कोई और गई। देखो यहाँ सारे लोग अपने फोटोग्राफी में, और ये लड़की लगी धूम मचाल करने के लिए। रोहित जी कहाँ का प्लानिंग है अब हमारे? हम जा रहे हैं मैग्नेटिक हिल और पेंगोंग लेक। तो दोस्तों अब हम आपको वही मुलाकात करते हैं, अब यहाँ से चलते हैं और बाहर का नजारा देखो कितना बढ़िया है। तो दोस्तों हम तैयार हो चुके हैं, सारे लोग तैयार हैं चलने के लिए, हम अब यहाँ से पेंगुइन लेक जा रहे हैं। और ये देखो हमारी गाड़ी, ये तैयार है लड़का, आज इसकी बीवी पीछे खड़ी है। तो दोस्तों अब आपको वहीं मिलते हैं और रास्ते में एंजॉय करते हुए पूरा आपको मज़ा कराएंगे। तो दोस्तों हम देखो कितनी और हाइट पे आ गए,